चावल निर्यातकों के लिए राहत भरी खबर। केंद्र सरकार ने सफेद और ब्राउन चावल के निर्यात को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कहा है कि वह 9 सितंबर से पहले जारी किए गए ऋण पत्रों द्वारा समर्थित सफेद और भूरे चावल के कार्गो को विदेशों में भेजने की अनुमति देगा। वहीं सरकार के इस फैसले से निर्यातकों को फिलहाल राहत मिलती दिखाई दी है। दरअसल सरकार ने 8 सितंबर को टूटे हुए चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही विभिन्न ग्रेड के निर्यात पर 20% शुल्क लगाया गया था, ताकि इससे घरेलू सप्लाई को बढ़ाया जा सके और खुदरा दामों को कंट्रोल किया जा सके। दरअसल इस साल कई राज्यों में देर से मानसून का आगमन हुआ, साथ ही कई राज्यों में औसत से कम बारिश के कारण धान की रोपाई भी कम हुई थी। ऐसे में सरकार ने 8 सितंबर को टूटे हुए चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। खास बात यह है कि सरकार के इस कदम से बंदरगाहों पर लगभग 10 लाख टन चावल फंस गया, जो सरकार की घोषणा से पहले विदेश जाने वाला था। वहीं राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बीवी कृष्ण राव ने कहा है कि ये एक बड़ी राहत है, जिसकी मांग हम पिछले कुछ हफ्तों से कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि बीते 9 सितंबर से भारतीय सफेद चावल के निर्यात मूल्य में 12% की वृद्धि आई है। वहीं सरकार ने सोमवार देर रात जारी अपने नोटिस में ये भी कहा है कि वो नेपाल को 6 लाख टन बिना पिसाई चावल निर्यात करने की अनुमति देगी, जो परंपरागत रूप से अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत पर निर्भर है। भारत में वैश्विक चावल शिपमेंट का 40% से अधिक हिस्सा है। भारत का चावल में थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान, म्यांमार के साथ कंपटीशन रहता है। वहीं नई दिल्ली में पिछले महीने 3,97,267 टन टूटे चावल के निर्यात की अनुमति दी गई थी। आपको बता दें कि भारत से निर्यात होने वाले साबुत चावल में टुकड़े का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। 2022 में कुल 93,53,000 मीट्रिक टन चावल निर्यात हुआ है, जिसमें टुकड़े चावल की हिस्सेदारी 21,31,000 मीट्रिक टन है। इसके अनुसार देखा जाए तो भारत से कुल चावल निर्यात में ब्रोकन राइस की हिस्सेदारी 22.78% है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।